केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे जल्द तैयार होगा। यह एक्सप्रेसवे हाई स्पीड कॉरिडोर होगा, जिससे ग्वालियर से दिल्ली का सफर कम समय में तय किया जा सकेगा। यह बात उन्होंने ग्वालियर प्रवास के दौरान कही। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कहा कि ग्वालियर में 28 अगस्त को इन्वेस्टमेंट समिट भी होने जा रही है, जिससे शहर में निवेश आ सके। दिल्ली का काउंटर मैग्नेट बनने के लिए ग्वालियर पूरी तरह तैयार है। इससे शहर में उद्योग आएंगे तो रोजगार मिलेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि भारत अपना खुद का 4G स्टेप बनाएगा, उसी के आधार पर लोगों को 4G नेटवर्क देंगे। ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे जो ग्वालियर को दिल्ली के साथ केवल नहीं जोड़ेगा, लेकिन NH 391 के आधार पर नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के साथ भी जोड़ेगा, सिलीगुरु की रोड के साथ भी जोड़ेगा। ग्वालियर से आगरा हम लोग 2 घंटे में पहुंच जाते थे, और फिर ग्वालियर से धौलपुर होते, आगरा से धौलपुर होते हुए मुरैना होते हुए ग्वालियर हम लोगों को 2.5 घंटे लगते थे। 2 लेन की सड़क होती थी। और 2020-21 में ये आइडिया मेरे दिमाग में आया कि जब यमुना एक्सप्रेसवे के बाद हमारा भी एक्सप्रेसवे बनना चाहिए, और नितिन गडकरी साहब के पास मैं गया था और उनको तहे दिल से आज धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने जो असंभव कार्य है वो ग्वालियर के लिए करके दिखाया, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो और चाहे वो ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे। और ये एक्सप्रेसवे के बारे में भी मैं समझाना चाहता हूँ, जो वर्तमान की सड़क है आगरा से धौलपुर से मुरैना होते हुए ग्वालियर, एक एक मीटिंग में बैठ कर हमने पूरी योजना बनाई। वर्तमान का 2 लेन रोड यथावत ही रहेगा, वो एक्सप्रेसवे नहीं बनने जा रहा। एक अल्टरनेट अलाइनमेंट हम लोग बना रहे हैं, जो वर्तमान का रोड है आगरा से ग्वालियर तक वो 120 किलोमीटर का और 2.5 घंटे लगते हैं। हम लोग अल्टरनेट अलाइनमेंट का सड़क बना रहे हैं हम, जो केवल 88 और 90 किलोमीटर का होगा, मतलब 32 किलोमीटर कम होगा, 25% कम होगा। और वो 6 लेन बनेगा, मतलब आगरा से ग्वालियर हम लोग 1 घंटे 10 मिनट तक वो सफ़र हम लोग तय कर पाएंगे। 28 तारीख को, अभी तिथि थोड़ा निर्धारित पूरे रूप से नहीं है, अभी 28 तारीख को हमने तय किया है, पर शायद एक दिन इधर उधर भी हो सकता है। 28 तारीख को जो मैंने निवेदन किया था मुख्यमंत्री जी को, मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं कि ग्वालियर में इन्वेस्टमेंट समिट भी होने जा रहा है, और अब और यही सही समय है। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं ना, यही समय है, सही समय है, अब यही सही समय है जब हम लोग निवेशकों को ग्वालियर में आकर्षित करें। क्यों? क्योंकि हमारा अस्पताल 1000 बिस्तर का बन गया, हमारी मल्टी स्पेशलिटी बन गई, हमारी अध्ययन की संस्थाएं, हमारे कॉलेज तैयार हैं, हमारा एलिवेटेड रोड का कार्य चल रहा है, हमारा एयरपोर्ट का डायरेक्ट कनेक्टिविटी है। और आज मुझे बड़ी खुशी हुई जब मैंने प्लेन में मैंने सफ़र किया तो 185 सीटर हमारी एयरबस की प्लेन है, 171 हमारे यात्री उस पर आए हैं। तो जो मैं मुझे चिंता लगी थी, अब धीरे धीरे करके ग्वालियर के वासी ने भी इस सुविधा को अपनाया है, जिसके लिए मैं ग्वालियर के वासियों को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल NIRF रैंक्ड फॉर 5 कंसेक्यूटिव ईयर्स। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।